आजादी की 77वीं वर्षगांठ के मौके पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जो महज 18 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक खुदीराम बोस की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत है हिस्टोरिक हिंदी के एक और नए एपिसोड में। आजादी की लड़ाई का इतिहास क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान की अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है। क्रांतिकारियों की सूची में एक ऐसा ही नाम है खुदीराम बोस का। वे केवल 18 वर्ष के थे जब उन्हें 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हमले और उसके बाद 3 अंग्रेजों की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस बात को एक सदी से भी ज्यादा समय बीत चुका है, फिर भी खुदीराम बोस का नाम लोगों के दिलो दिमाग पर आज भी अमिट है। खुदीराम बोस का शुरुआती जीवन 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले के छोटे से गांव में जन्मे खुदीराम एक तहसीलदार के बेटे थे। खुदीराम की 3 बहनें थीं। युवा खुदीराम का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने 6 साल की उम्र में अपनी माँ और 1 साल बाद अपने पिता को भी खो दिया। अब बस उनकी एक बहन ही बची थी जो उनकी देखभाल करती थी। उनकी बड़ी बहन हटगछा गांव में रहती थी, उन्होंने ही बोस की देखभाल की। बोस ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई वहीं के हैमिल्टन हाई स्कूल से की थी। कैसे बने क्रांतिकारी? एक बार मिदनापुर में सार्वजनिक व्याख्यानों की एक सीरीज का आयोजन किया गया जिसे श्री अरबिंदो और सिस्टर निवेदिता संबोधित कर रहे थे। उनके उस भाषण का खुदीराम पर इतना असर हुआ कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का मन बना लिया। इसके बाद 15 वर्ष की आयु में वे स्वयं सेवक बन गए और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पर्चे बांटने के जुर्म में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। इसके ठीक 1 साल बाद खुदीराम बोस पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। उन्होंने पुलिस थानों के पास बम लगाकर अंग्रेज अधिकारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि खुदीराम 20वीं सदी की शुरुआती 3 महीनों में सक्रिय एक बंगाली संगठन अनुशीलन समिति का हिस्सा थे। इसी संगठन ने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए क्रांति का रास्ता दिखाया था। ब्रिटिश शासन के दौरान समिति का नेतृत्व अरविंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष जैसे राष्ट्रवादियों ने किया था। इस दौरान कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस एच किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों के निशाने पे थे। दरअसल किंग्सफोर्ड स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ी और कठोर सजा देने के लिए जाने जाते थे और इसी वजह से वे क्रांतिकारियों के निशाने पर थे। पढ़ते रहे कोड़े और कहते रहे वंदे मातरम। उस समय वंदे मातरम के संपादक अरबिंदो घोष और इसके प्रकाशक बिपिन चंद्रपाल का एक मामला ऐसा था जो किंग्सफोर्ड के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करने वाला था। उसने एक आदेश देकर खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। एक 15 वर्षीय नौजवान सुशील सेन ने अदालत के सामने इकट्ठे हुए क्रांतिकारियों की पिटाई करने वाली पुलिस की क्रूरता का विरोध किया था। इसके बाद किंग्सफोर्ड ने उस नौजवान को 15 कोड़े मारने का आदेश दिया था। हर कोड़े के साथ सेन वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। इसके बाद यह खबर प्रेस में बड़ी खबर के तौर पर प्रकाशित हुई। जब क्रांतिकारियों ने इस खबर को पढ़ा तो वे गुस्से से उबल पड़े और फैसला किया कि किंग्सफोर्ड की मनमर्जी करने की इस बीमारी की दवा केवल बदला ही है। हालांकि ब्रिटिश सरकार को क्रांतिकारियों की इस योजना की भनक पहले ही लग गई थी, इसीलिए उन्होंने किंग्सफोर्ड का ट्रांसफर मुजफ्फरपुर करवा दिया। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा करने से कलकत्ता में क्रांतिकारियों का गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन जब क्रांतिकारियों को यह बात पता चली तो उन्होंने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड को मारने की तैयारी पूरी कर ली। इस युवा को मिली किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी। किंग्सफोर्ड को मारना इतना आसान नहीं था, यह कठिन मिशन होने वाला था और केवल एक भरोसेमंद आदमी ही इस काम को अंजाम दे सकता था। तब मिशन के प्रभारी लोगों ने इस काम की जिम्मेदारी प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस को देने का फैसला किया और वे दोनों इस काम को करने के लिए तुरंत तैयार भी हो गए। अगस्त 1908 के तीसरे हफ्ते में दोनों युवा क्रांतिकारी मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां उन्होंने अपना नाम हरेन सरकार और दिनेश रॉय रखा और फिर किंग्सफोर्ड की दिनचर्या के बारे में जानने के लिए जासूसी करने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने हमला करने के बाद एक बचाव का रास्ता ढूंढना भी शुरू कर दिया था। दोनों लड़के बिहारी जमींदार परमेश्वर नारायण महतो की धर्मशाला में रुके और काम पर लग गए।
उन्होंने जल्द ही किंग्सफोर्ड की दिनचर्या, अदालत में उसके समय, यूरोपीय स्टेशन क्लब और उसके घर के बारे में सभी जानकारियां इकट्ठा कर ली। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि जब रात 8:30 बजे किंग्सफोर्ड क्लब के बाहर निकलेगा तब उस पर हमला किया जा सकेगा। इससे दोनों को रात में बचकर निकलने का मौका भी मिल जाएगा। यह तय किया गया कि इस काम के लिए एक बम का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या सफल रहा हमला? ज्यादातर लोगों का मानना है कि किंग्सफोर्ड क्लब में जा रहा था तब प्रफुल्ल और खुदीराम ने उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया। जैसे ही उसकी घोड़ा गाड़ी नजदीक आई, खुदीराम ने उस पर बम फेंक दिया। इसके बाद एक धमाकेदार विस्फोट हुआ और हमला सफल रहा। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और आग की लपटें उठने लगीं। प्रफुल्ल और खुदीराम ने यह मान लिया कि उनका मिशन सफल हो गया है और फिर वे अंधेरे में गायब हो गए। इस हमले की खबर चारों ओर फैल गई। आधी रात बीतते बीतते सभी को घटना की जानकारी हो गई थी और पुलिस भी आरोपियों की तलाश करने में लग गई। इस बीच खुदीराम पूरी रात दौड़ते रहे और 25 मील तक दौड़ने के बाद किसी तरह वे वैनी नाम के एक स्टेशन पर पहुंचे। वहां एक चाय की दुकान पर उन्होंने पानी मांगा। उस समय वहां कुछ कांस्टेबल भी मौजूद थे। खुदीराम लंबे समय तक दौड़ने के कारण हांफ रहे थे और वे काफी थक चुके थे। कांस्टेबल्स को खुदीराम की हालत देखकर थोड़ा शक हुआ। उन्होंने खुदीराम से कुछ सवाल पूछे और संदेह बढ़ने पर उन्हें हिरासत में लेने का फैसला किया। देखते ही देखते पूछताछ शारीरिक हो गई और खुदीराम को भागने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। एक गलतफहमी के कारण चुकानी पड़ी बड़ी कीमत। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल ने एक गाड़ी पर बम तो फेंका था, लेकिन दुख की बात यह है कि वो गाड़ी किंग्सफोर्ड की नहीं थी। उस गाड़ी में मुजफ्फरपुर बार के एक प्रमुख वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी सवार थी। इस हमले में दोनों महिलाओं की मौत हो गई थी। पुलिस कर्मियों ने खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया और जिला मजिस्ट्रेट वुडमैन के सामने पेश किया। प्रफुल्ल ने भागने के लिए अलग अलग रास्तों को अपनाया था, लेकिन अंत में पुलिस ने उनका भी पता लगा लिया। हालांकि इससे पहले कि पुलिस प्रफुल्ल को पकड़ पाती, उन्होंने खुद को गोली मार ली। प्रफुल्ल की मौत से अनजान खुदीराम बोस ने जिला अधिकारी के सामने मुजफ्फरपुर बम धमाकों की पूरी जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया। 21 मई 1908 को मुकदमा शुरू हुआ और दो अन्य लोगों के साथ बोस को पैनल के सामने पेश किया गया। हालांकि कुछ वकीलों ने भी देश के प्रति प्रेम के कारण खुदीराम का केस लड़ा था। छोटी सी उम्र में हो गए शहीद। जब जज ने फैसला पढ़कर सुनाया तो खुदीराम बोस मुस्कुराने लगे। न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि क्या वो अपनी सजा का पूरा मतलब समझते हैं। बोस निडर और मजाकिया थे। उन्होंने जवाब दिया, मैंने आपका फैसला तो समझ लिया है, लेकिन अगर आप मुझे समय दें तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूं। हालांकि अभी भी उम्मीद बची थी, क्योंकि खुदीराम के पास उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 1 सप्ताह का समय था। खुदीराम ने शुरू में तो इनकार कर दिया, लेकिन अपने सलाहकारों के समझाने के बाद अपील करने के लिए तैयार हो गए। हाईकोर्ट में सुनवाई 8 जुलाई को हुई। खुदीराम के वकील नरेंद्र कुमार बसु ने अदालत के फैसले को चुनौती दी। बसु ने तर्क दिया कि प्रफुल्ल ने खुद को गोली मार ली। इससे पता चलता है कि शायद वो बम फेंकने के दोषी थे। 13 जुलाई 1908 को ब्रिटिश न्यायाधीशों ने अंतिम फैसला सुनाया। खुदीराम की अपील खारिज कर दी गई और ब्रिटिश जजों ने उनकी सजा की पुष्टि की। 11 अगस्त से पहले फांसी की सजा पर अमल करने का आदेश दिया गया। उस दिन जेल के पास का क्षेत्र फूलों की माला लिए लोगों की भीड़ से भर गया था। खुदीराम ने खुशी खुशी फांसी का फंदा चूमा और कुछ ही समय बाद उन्हें लटका दिया गया। उनके अंतिम संस्कार का जुलूस कोलकाता से होकर गुजरा और उनके पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाने वाले लोगों की भीड़ से रास्ते खचाखच भरे हुए थे। महज 18 वर्ष की उम्र में खुदीराम को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद उनकी शहादत ने क्रांतिकारियों के बीच एक अलग ही जोश पैदा कर दिया। कवि पीताम्बर दास ने खुदीराम बोस के मातृभूमि के प्रति जुनून के सम्मान में एक गीत भी लिखा था। खुदीराम बोस जैसे ही अनेक क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। आजादी की 77वीं वर्षगांठ के मौके पर आइए उन क्रांतिकारियों को नमन करें और एक बार फिर से उन्हें याद करें।